मुंबई कॉरपोरेशन के दायरे में ये फायर ऑडिट होना चाहिए था, लेकिन इसके लिए अभी ये चर्चा करने का मुद्दा नहीं है। अभी सभी पेशेंट को जो तकलीफ है उनमें से बाहर निकाल के उनको घर डिस्चार्ज करना चाहिए। देखा कि अफरा तफरी काफ़ी फैली थी, यहाँ वहाँ लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे और बिल्डिंगों से जगह जगह से धुआं बाहर आ रहा था। सडनली ऊपर जाना तो मना ही था, लोग नीचे नहीं आ पा रहे थे, लोग ऊपर कैसे जाएंगे। मिसेस को एडमिट किया था कामगार हॉस्पिटल में, 12:30 से 1:15 तक यहाँ पहुँचा मैं तो देखा तो थे, तो मौत किस वजह से हुई? शायद चोकिंग जो स्मोक होता है उससे हुई होगी, लेकिन पोस्टमार्टम करने के बाद एक्चुअली किस लिए हुई वो पता चला। उसके बाद मैंने मुंबई महानगर पालिका और फायर ब्रिगेड को एक लेटर लिखा कि मुंबई के कई ऐसे सैकड़ों अस्पताल है जहाँ पे जो है फायर इक्विपमेंट्स नहीं है सही मात्रा में, जो वहाँ पे जो होना चाहिए इक्विपमेंट्स वो नहीं है, ऑडिट नहीं हुई है जो है। क्या देश के अस्पताल शमशान बनते जा रहे हैं? क्या हॉस्पिटल के बेड चिता बनती जा रही है? मुंबई के एक अस्पताल में आग के बाद ये सवाल फिर से खड़े हो गए हैं। मुंबई के अंधेरी इलाके में कल शाम ESIC कामगार अस्पताल में लगी आग इस कदर फैल गई कि 8 लोगों की मौत हो गई, करीब 160 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। अफरा तफरी और लापरवाही का आलम यह था कि फायर ब्रिगेड की टीम अस्पताल पहुंची थी, लेकिन उसके पास जो सीढ़ी थी वो 3 मंजिला तक नहीं थी, मतलब 3 मंजिल तक भी नहीं जा सकती थी, जबकि आग की वजह से लोग 4थी मंजिल पर भी फंसे हुए थे। 4थी मंजिल पर फंसी 3 महिलाओं ने खिड़की तोड़कर कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ESIC अस्पताल हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। फडणवीस ने हादसे पर पीएम मोदी और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से बात की। सीएम ने हादसे में घायल मरीजों को हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया है। केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री ने पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया। हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा, गंभीर रूप से घायल मरीजों को 2-2 लाख और घायलों को 1-1 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। तो सबसे पहले मुंबई के अस्पताल में लगी इस आग से जुड़ी 10 बड़ी बातें आपको बता दें। मुंबई के ESIC कामगार अस्पताल में सोमवार को आग लगी थी। अस्पताल में आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। आग में झुलसने से 160 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। घायल मुंबई के ट्रॉमा अस्पताल 7 हिल्स हॉस्पिटल में भर्ती है। घायलों को होली स्पिरिट हॉस्पिटल कपूर हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बाला साहब ठाकरे, हीरानंदानी और सिद्धार्थ अस्पताल में है घायल भर्ती। आग कैसे लगी इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। अस्पताल में हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है इसे लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फायर ऑडिट करता है। मुंबई का ESIC कामगार अस्पताल MIDC के अंतर्गत आता है। मुंबई कॉरपोरेशन के दायरे में ये फायर ऑडिट होना चाहिए था, लेकिन इसके लिए अभी ये चर्चा करने का मुद्दा नहीं है। अभी सभी पेशेंट को जो तकलीफ है उनमें से बाहर निकाल के उनको घर डिस्चार्ज करना चाहिए और इसके बारे में एक हाई लेवल कमिटी करके उसका इंक्वायरी भी की जाएगी। नीचे आग लगने के कारण स्टेयरकेस के डक्ट से स्मोक ऊपर गया जी। वो स्मोक के कारण ये सब कैजुअलिटीज हुई है और मॉर्बिडिटी भी हुई है पेशेंट की। जो लोग पेशेंट एडमिट थे उनको भी तकलीफ हुई और जो रिश्तेदार वहाँ गए थे उनको भी स्मोक इन्हेलेशन के कारण ये सब हुआ है। डायरेक्ट बर्न इंजुरीज नहीं है पर स्मोक इनहेल करने के बाद में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और जो सारे कंबस्टिबल गैसेस जो स्मोक के कारण तैयार होते हैं और लंग्स से परफ्यूज होकर बॉडी में एंटर करते हैं उसके कारण नुकसान हुआ।